गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पैटर्न। ठीक है, अलग अलग तरह की जो पैटर्न है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने जो पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था वो था सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न, फिर 2 पीस और स्प्लिट पैटर्न, उसके बाद लूज पीस पैटर्न, चौथा है कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, पांचवा है गेटेड पैटर्न और छठा हमने लास्ट में डिस्कस किया था मैच प्लेट पैटर्न। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पैटर्न का तरीका देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न के अंदर, वो है स्वैप पैटर्न। क्लियर, थोड़ा फिगर के साथ डिस्क्रिप्शन भी दिखेंगे। स्वैप पैटर्न, चलिए देखते हैं। स्वैप पैटर्न इज अ जस्ट फॉर्म मेड ऑन अ वुडन बोर्ड विच स्वैप्स द कास्टिंग शेप इनटू द सैंड ऑल अराउंड द सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, एक वुडन बोर्ड लेना है आपको, उसके ऊपर आपको क्या करना है तो कि कास्टिंग के शेप के अकॉर्डिंगली सैंड के अंदर, सैंड के ऑल अराउंड यानी आसपास पूरा एक बेसिक शेप लाना है सर्कमफ्रेंसेस के अंदर। किसको यूज़ करके वुडन बोर्ड को यूज़ करके सिंपली पैटर्न को स्वैप करना है, जिससे कास्टिंग की जो सैंड है उसके आसपास सर्कमफ्रेंसेस में आपका शेप क्रिएट हो जाएगा, मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हो जाएगा। द इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बेस कॉमा प्लेस्ड इन सैंड, वर्टिकल स्पिंडल एंड वुडन टेम्पलेट कॉल एज अ स्वैप। जो इक्विपमेंट यूज होने वाले इस पैटर्न के अंदर, जिसके अंदर होगा एक पहले सबसे पहला तो वुडन का बेस होगा। ठीक है, उसके बाद आसपास जो आपको सैंड डालनी है वो होगा, तो ये हो गया वुडन का बेस। फिर आपको जो आसपास सैंड डालनी है वो हो जाएगा, फिर वर्टिकल स्पिंडल यानी जो पूरा सब पहला जो पोस्ट आपको दिख रहा है वर्टिकली वो। ठीक है, उसके बाद वुडन टेम्पलेट कॉल स्वैप, ये जो आपको दिख रहा है सेक्शन बना हुआ ये पूरा शेप वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं वुडन टेम्पलेट, या फिर उसको आप बोल सकते हैं स्वैप। द स्वैप इज रोटेटेड अबाउट द स्पिंडल और पोस्ट टू फॉर्म अ कैविटी एज शोन इन फिगर। सिंपली क्या करना है आपको, तो देखिए प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपको नीचे रखना है एक वुडन का प्लेट। ठीक है, फिर उसके सेंटर में आपको क्या करना है, ये जो पूरा पोस्ट है ना उसको रख देना है। क्लियर, फिर आप क्या करोगे तो कि ये जो पोस्ट है उसके आसपास सर्कमफ्रेंसेस में पूरा क्या रख दोगे, सैंड है ना, कास्टिंग का जो सैंड है वो आपको रख देना है। उसके बाद क्या होगा तो कि ये जो स्वैप है पोस्ट के ऊपर आपको ये जो स्वैप है टेम्पलेट वो अरेंज कर देना है, और सिंपली क्या करना है उसको तो कि ये जो पोस्ट है उसके अराउंड 360 डिग्री घुमा लेना है। ठीक है, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। क्लियर, अब प्रोसेस में क्या होगा तो कि जैसे ही आप स्वैप करोगे या फिर स्वैप यानी वुडन के टेम्पलेट को 360 डिग्री रोटेट करवाओगे विथ रेफरेंस टू पोस्ट, तो उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली वो सैंड के अंदर क्या क्रिएट कर देगा, मोल्ड कैविटी प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है, तो फाइनली आपको मोल्ड फ्लास्क के अंदर जो आपने सैंड भर के रखा है उसके अंदर ये जो टेम्पलेट है वो घुमाने की वजह से ऐसा मोल कैविटी प्रिपेयर होके मिल जाएगा। यहाँ पे आपने पोस्ट रखा था सेंटर में और ये आपका क्या था, वुडन पैटर्न का शेप था जिसको आपने घुमाया, उसकी वजह से पूरा आपका स्वैप पैटर्न यूज़ करके मोल कैविटी फ्लास्क के अंदर प्रिपेयर हो गया। दिस इज कॉल्ड स्वैप पैटर्न। क्लियर है, चलिए देखते हैं आगे। वंस द मोल इज रेडी स्वैप पैटर्न एंड पोस्ट कैन बी रिमूव। जैसे आपने स्वैप पैटर्न को स्वैप किया 360 डिग्री, आपका मोल कैविटी प्रिपेयर हो गया क्लास के अंदर, तो आपको फिर क्या करना है, इस पैटर्न को रिमूव कर लेना है। इट सेव्स द लॉट्स ऑफ टाइम
एंड लेबर वर्क एज कम्पेयर टू मेकिंग अ फुल पैटर्न। अगर आप इसी शेप का, इसी साइज का, इसी कंपोनेंट का अगर फुल पैटर्न बनाने जाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लेबर वर्क लगेगा। तो वो सारा जो लेबर वर्क है, ठीक है, और दूसरा जो आपका खर्च है और उसके पीछे जो समय लग रहा है, टाइम लगेगा पैटर्न बनाने में, वो आपका यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। स्वेप पैटर्न आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द लार्ज कास्टिंग ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो सर्कुलर शेप में जितने भी कंपोनेंट बनते हैं, मीडियम साइज़ में, स्मॉल साइज़ में या लार्ज साइज़ में, ठीक है, स्पेशली जो सर्कुलर शेप में जो कंपोनेंट हो गए, या फिर जो एक्सिस सिमेट्रिकल शेप होते हैं, यानी ऐसे कंपोनेंट जिसको आप सेंटर लाइन से डिवाइड करके मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे एक्सिस सिमेट्रिकल शेप और सर्कुलर सेक्शन में आने वाले कंपोनेंट को आप स्वेप पैटर्न से इजीली बना सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया स्वेप पैटर्न, स्पेशली यूज होता है सर्कुलर सेक्शन बनाने के लिए या फिर सिमेट्रिकल एक्सिस सिमेट्रिक जो कंपोनेंट होते हैं उसको बनाने के लिए, ओके, जिससे इजीली आप कम लेबर वर्क और कम पैटर्न मेकिंग के अंदर जो समय लगता है उसको कम यूज करके आप इजीली मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करके कास्टिंग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्केल्टन पैटर्न। स्केल्टन का मतलब क्या होता है? कंकाल। अपना शरीर का जो कंकाल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्केल्टन। बस तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज़ किया इन लोगों ने पैटर्न बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है स्केल्टन पैटर्न। व्हेन द कास्टिंग साइज इज वेरी लार्ज बट इजी टू शेप एंड फ्यू आर टू बी मेड, देन इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू मेक अ लार्ज सॉलिड पैटर्न ऑफ दैट साइज। कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई बड़ी साइज का कंपोनेंट कास्टिंग करके बनाना चाहते हो, ठीक है, और जो कास्टिंग के कंपोनेंट का साइज तो बड़ा है लेकिन उसके अंदर कुछ शेप ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम है, सिंपल डिज़ाइन के अंदर है, ठीक है, और उसमें से किसी एक को बना के प्रोसेस को रिपीट करके पूरे कंपोनेंट को, लार्ज साइज के कंपोनेंट को कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है, तो उस समय पे आप क्या करना है, तो उस समय पे अगर आप वो बड़े साइज़ के कंपोनेंट का अगर पैटर्न बनाओगे तो वो इकोनॉमिकल कहलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर शेप तो रिपीटेटिव है ना, एक ही मोल बना के बार बार उसके कंपोनेंट को बना के लास्ट में असेंबल करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा करना थोड़ा इकोनॉमिकल होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और वो पूरे बड़े कंपोनेंट का अगर पैटर्न बना के कास्टिंग करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा, पैटर्न भी बहुत बड़ा बनेगा, डिफ़िकल्टियाँ भी बहुत आएगी, ठीक है, और कास्टिंग करने में बहुत समय, बहुत पैसा और बहुत डिफ़िकल्टियाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि उस टाइम पे हम लोग क्या करें, तो कि स्केल्टन पैटर्न यूज़ कर ले। इन सच केस अ पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ अ वुडन फ्रेम एंड स्ट्रिप इज मेड विच कॉल एज अ स्केल्टन पैटर्न। उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, तो क्या है, वुड स्केल्टन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर एक लकड़ी का फ्रेम होगा, ठीक है, और फ्रेम के अंदर स्ट्रिप्स होगी, स्ट्रिप्स यानी पट्टे रखे होंगे, बॉर्डर रखी होगी, ठीक है, जिससे हम लोग स्केल्टन पैटर्न बना के या फिर स्केल्टन पैटर्न को यूज़ करके कंपोनेंट को कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि स्केल्टन पैटर्न के अंदर क्या होगा, तो कि भाई वुडन का फ्रेम होगा यानी लकड़ी का फ्रेम होगा, ठीक है, और स्ट्रिप्स होगी यानी पट्टियाँ होगी, जिसको बोला जाता है स्केल्टन पैटर्न। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के अंदर स्केल्टन पैटर्न। तो आप देखिए यहाँ पे ये पूरा वुडन का फ्रेम है, ये पूरा वुडन का फ्रेम है, ये भी पूरा वुडन का फ्रेम है, और बीच में क्या किया है, स्ट्रिप रखा हुआ है। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ फिल्ड विथ अ लूम सैंड एंड रैम्ड। पूरा जो लकड़ी का बॉक्स होगा उसके अंदर आपको सैंड भर देना है, और सैंड के अंदर भी टाइप्स ऑफ सैंड होते हैं।
अलग अलग तरीके के, तो उसके अंदर आपको यूज़ करना है लूम सैंड और उसको दबा देना है, रैम्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अ स्टैकल इज यूज फॉर गिविंग द डिजायर्ड शेप ऑफ द सैंड एंड फॉर रिमूविंग द एक्स्ट्रा सैंड। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये आप जो फिगर के अंदर बाजू में आपको एक कॉम्पोनेंट दिख रहा है जिसका नाम है स्ट्रैकल, क्या नाम है उसका, स्ट्रैकल। स्ट्रैकल यूज़ करना है उस सैंड के अंदर रख के आपको क्या करना है, बेसिक शेप क्रिएट करने के लिए स्ट्रैकल यूज़ करना है। आप मोल पूरा लकड़ी का बॉक्स सैंड से भरा होगा, उसके अंदर आप अपने शेप के अकॉर्डिंगली स्ट्रैकल रख के उसको अंदर ड्रैग करवा के क्या कर सकते हैं आप, स्केल्टन पेपर, स्केल्टन पैटर्न रेडी कर सकते हैं। क्लियर, आपको यहाँ पे होलो पाइप के लिए स्केल्टन पैटर्न दिखाया गया है, ये जो है ना पैटर्न, स्केल्टन पैटर्न होलो पाइप के लिए, क्लियर। जिससे क्या होगा, इस पैटर्न की मदद से आपका होलो पाइप, जो भी आप घर पे यूज़ कर रहे हैं ना पाइप, वो होलो पाइप क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं आजू बाजू सैंड डाल दिया है और बीच में क्या कर दिया है, बीच में क्या कर दिया है, होलो कंपोनेंट डालने के लिए लकड़ी का पार्टीशन कर दिया या फिर जो स्ट्रैकल होता था उसको रख के शेप क्रिएट कर दिया है। स्केल्टन पैटर्न आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज कास्टिंग लाइक टर्बाइन केजिंग, वाटर पाइप्स, एल बैंड्स एक्सेट्रा। बेसिकली स्केल्टन पैटर्न कहाँ पे यूज़ होता है, तो कि भाई प्रोड्यूसिंग लार्ज कास्टिंग, बड़ी साइज़ के, लार्ज साइज़ के अगर कंपोनेंट आपको कास्टिंग करना है तो आप स्केल्टन पैटर्न यूज़ कर सकते हो। स्पेशली टर्बाइन का जो केजिंग आता है, आपने टर्बाइन देखा होगा, बहुत बड़ा टर्बाइन आता है, तो टर्बाइन का जो बाहर का जो पिंजरा होता है केजिंग प्रोटेक्शन के लिए, तो वो स्केल्टन पैटर्न से बनेगा। फिर पानी के जो बड़े बड़े लार्ज डायमीटर वाले, बड़े बड़े डायमीटर वाले चौड़े जो पाइप्स आते हैं, चाहे वो मेटल के हो, कास्ट आयन के हो, है ना, गैल्वेनाइज्ड आयन के हो या फिर प्लास्टिक के हो, वो भी हमारे किससे बनेंगे, स्केल्टन पैटर्न से बनेंगे। फिर पाइप को कनेक्ट करने के लिए जो एल बैंड्स आते हैं, एल्बो, ओके, तो वो भी आप स्केल्टन पैटर्न से बना सकते हैं। क्लियर, तो फिगर में देख लिया आपने किस तरीके से सेटअप होता है। मेन जो कंपोनेंट है वो है स्ट्रैकल, फिर लकड़ी का बॉक्स और उसके अंदर आपको सैंड यूज़ करना है, लूम सैंड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है सेगमेंटल पैटर्न। कौन सा पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस सेगमेंटल पैटर्न इज सिमिलर टू दिस स्वेप पैटर्न। जैसे आपने स्वेप पैटर्न में देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से सेगमेंटल पैटर्न भी क्या करेगा, काम करेगा। तो देखिए सेगमेंटल पैटर्न का आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है और टॉप व्यू दिखाया गया है, ठीक है। जहाँ पे आपने वो पिलर रखा था सेंटर में, वहाँ पे पिलर रखना है, नीचे लकड़ी का प्लेट रख देना है, आसपास आपको सैंड फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद आप जो शेप लाना चाहते हो उसका एक सेगमेंट यानी एक छोटा सा टुकड़ा आपको यहाँ पर अरेंज कर देना है, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। जैसे वो स्वैप होगा, स्वैप पैटर्न की तरह घूमेगा और जहाँ जहाँ वो सैंड के अंदर घूमेगा वहाँ से वो सैंड को रिमूव कर देगा और उसका जो शेप है बेसिक शेप वो क्रिएट करके दे देगा। तो सेगमेंटल पैटर्न का काम बिल्कुल स्वैप पैटर्न की तरह ही है। स्वैप पैटर्न में हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया था, टेम्पलेट यानी जो शेप हम लाना चाहते हैं उसी शेप का एक लकड़ी का टेम्पलेट तैयार किया था और उसको स्वैप किया था। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो शेप लाना चाहते हो उस शेप का एक छोटा सा टुकड़ा यानी सेगमेंट, उससे आपको पैटर्न बना के उसको स्वैप करवा के सैन के अंदर रोटेट करवा के स्वैप करवा के बेसिक शेप क्रिएट करना है। तो ये हो गया हमारा सेगमेंटल पैटर्न। क्लियर, डिस्क्रिप्शन बहुत ही ईजी है, क्लियर है, जैसे स्वैप पैटर्न था, पैटर्न का था वैसे ही। मेन क्या है, ये जो फिगर सेटअप है वो आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि वो स्वैप पैटर्न से थोड़ा अलग है। कंस्ट्रक्शन सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, काम करने का तरीका सेम है, लेकिन फिगर सेटअप के अंदर आपको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो वो डिफरेंस आपको फिगर बना के ही समझाना है, ठीक है। देखते हो उसके फायदे, सॉरी उसकी एप्लीकेशन।
Segmental patterns are used for producing large circular casting like big gears, wheel rims, etc. वापस स्वेप पैटर्न के अंदर हमने आपको बोला था कि जो सर्कुलर शेप के अंदर जो सेक्शन बनते हैं या फिर सर्कुलर शेप में जो कंपोनेंट आते हैं या फिर एक्सिस सिमेट्रिकल जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग बना सकते हैं लार्ज साइज वाले। बिल्कुल उसी तरह ही हम सेगमेंटल पैटर्न यूज करके कास्टिंग, बड़ी साइज के जो कास्टिंग कंपोनेंट है जिसके अंदर बड़ी साइज के गियर, बिग गियर, मोटी साइज के बड़े डायमीटर वाले जो गियर आते हैं वो बना सकते हैं। फिर व्हील का जो रिम्स आता है ना, ट्रक का रिम, व्हील का रिम, जो रिंग आती है जिसके अंदर टायर फिट होता है, ट्रक का, बस का, एरोप्लेन का, किसी का भी बना सकते हैं। व्हील का रिम बड़ी साइज का होगा, वो आप सेगमेंटल पैटर्न से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। तीन पैटर्न के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ पैटर्न के अंदर स्वेप पैटर्न, उसके बाद स्केल्टन पैटर्न, और उसके बाद लास्ट में सेगमेंटल पैटर्न। और पैटर्न के तरीके बाकी है टाइप्स ऑफ पैटर्न के अंदर, उसको हम लोग कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर को कंटिन्यूस देखिए, देखिए ये लेक्चर सीरीज में आ रहा है। सीरीज का मतलब होता है टॉपिक वन बाई वन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। बड़े टॉपिक है तो नंबर ऑफ लेक्चर के अंदर डिवाइड होके कंप्लीट होंगे, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, सीक्वेंस को, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पैटर्न। थैंक यू।